हीरो ग्लैमर भारतीय बाजार में 15 वर्षों से भी ज़्यादा समय से मौजूद है और 125 सीसी सेगमेंट में इस बाइक की डिमांड काफ़ी ज़्यादा हमेशा से ही देखने को मिली है। और अब ये मोटरसाइकिल नए BS6 अपडेट्स के साथ तो आ ही गई है और साथ ही साथ इसमें नए फीचर्स और नई स्टाइलिंग भी शामिल कर दी है। तो दोस्तों, मैं हूँ अंकित दुबे और जागरण हाईटेक में आपका स्वागत है। और आज हमारे पास वही हीरो ग्लैमर मौजूद है जिसका हमारे दर्शक काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि इसका रिव्यू जागरण हाईटेक पर कब आएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस पूरे रिव्यू की। हीरो ग्लैमर के सबसे पहले हम डिज़ाइन की बात करें तो इसका जो लुक्स है वो पूरी तरह एक फ्रेश नज़र आता है और इसमें काफ़ी सारे बॉडी पैनल्स ऐसे हैं जो कि पूरी तरह नए हैं। साथ ही साथ ये गाड़ी अब पहले से बड़ी भी हो गई है और ये फ्रंट से देखने में एक नया लुक भी देती है। काफ़ी आकर्षक ये बाइक लगती है क्योंकि इस बाइक में आपको मिलता है एक नया हेडलैम्प। ये नया जो हेडलैम्प है ये आपको, अगर आपको याद हो तो, हीरो अचीवर की याद दिलाता है ये हेडलैम्प। और इस हेडलैम्प में आपको हेलोजन बल्ब मिलता है, LED नहीं मिलता है। LED आपको होंडा SP125 में मिलता है। इसके अलावा अगर आप इंडिकेटर्स देखते हैं तो ये भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। साथ ही साथ नीचे का अगर आप पोर्शन देखते हैं तो ये भी जो इसके फ्लैग ग्राफिक्स हैं वो उसके साथ आता है, इसका मडगार्ड। और ये डिस्क ब्रेक वेरियंट है तो जाहिर सी बात है इसमें आपको डिस्क ब्रेक भी देखने को मिलता है। तो इसमें एक अनोखे प्रकार का फ्लैग ग्राफिक्स शामिल किया गया है जिन्हें 2008 में पहली जनरेशन मॉडल में देखा गया था। प्लास्टिक की क्वालिटी और ओवरऑल फिट एंड फिनिश काफ़ी बेहतरीन इस बाइक में मिलता है। रियर व्यू मिरर और स्विच गियर भी सेटिस्फाई करते नज़र आते हैं। इस मोटरसाइकिल का साइज़ अब पहले से ज़्यादा बढ़ गया है थोड़ा सा। इसमें आपको एक i3s टेक्नोलॉजी का स्विच भी मिलता है और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखते हैं तो आपको सिंपल एनालॉग डायल के साथ एक ब्लू लिड डिजिटल स्क्रीन साइड स्टैंड वार्निंग टेक्नोलॉजी के साइन भी देखने को मिलता है। ग्लैमर के व्हील बेस की बात करें तो ये भी अब पुराने वेरिएंट के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा हो गया है, यानी कि अब इसका व्हील बेस आपको 1273 mm का मिलता है जबकि पुराने वेरिएंट में ये आपको 1262 mm का मिलता था। तो कुल मिलाकर इस बाइक का जो साइड पैनल्स है, हेडलैम्प है, उसके चलते ये बाइक पूरी तरह फ्रेश लुक के साथ तो आती ही है, साथ ही साथ ये आपको एक स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग भी देती है और काफ़ी दमदार ये बाइक आपको लगती है। 2020 हीरो ग्लैमर में आपको 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है जो कि BS6 कंप्लाइंट है। तो BS6 इंजन है ये, तो इसको लेकर एक बात याद आ गई वो मैं आपको बता दूं। BS6 इंजन के साथ जैसे ही बाकी कम्यूटर मोटरसाइकिल्स भारतीय बाज़ार में आना शुरू हुई थी तो कंपनी ने नई फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी शामिल करना भी शुरू कर दी थी सभी कम्यूटर मोटरसाइकिल्स में। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी, वो हीरो ग्लैमर के साथ कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। जी हाँ, हीरो ग्लैमर इकलौती ऐसी बाइक है जो फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी के साथ साल 2006 में भारतीय बाजार में आई थी, जिसका कंपनी ने नाम PGM-FI दिया था अगर आपको याद हो तो। तो उस टेक्नोलॉजी के साथ ये बाइक भारतीय बाजार में आई थी और तब से फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी इसके साथ मिलती हुई आ रही है। तो अब नए इंजन की बात करते हैं तो ये इंजन आपको एक अच्छी 10.7 BHP की पावर और 10.6 Nm का टॉर्क देता है। पुराने वर्जन से अगर इसके पावर आउटपुट की तुलना करें तो इसका पावर और टॉर्क दोनों ही कम हो गए हैं। हालांकि इस बाइक में अब 5 स्पीड गियरबॉक्स मिलता है जबकि ये बाइक पुराने वेरिएंट में आपको 4 स्पीड गियर ही देती थी। तो अब इस बाइक के कुल वज़न की बात करें तो ये पुराने वेरिएंट के मुकाबले 4 किलोग्राम हल्की भी हो गई है और इसका कुल वज़न अब 123 किलोग्राम हो गया है। तो अब इस बाइक को चलाकर देखते हैं और जानते हैं कि इसकी राइड परफॉर्मेंस कैसी है और इस बाइक में ब्रेकिंग आपको किस तरीके की मिलती है, साथ ही साथ राइड के दौरान कितना यह बाइक आपको खुश रखती है। पावर डिलीवरी इक्वली स्मूथ और लीनियर देखने को मिलती है अगर आप लो और मिड रेंज में इस बाइक को चलाते हैं। थ्रॉटल रिस्पांस काफ़ी अच्छा है, क्लच भी लाइट है और गियरबॉक्स भी स्मूथ शिफ्टिंग के साथ आता है। ये सब आपको शहर में एक आरामदायक राइड भी प्रदान करते हैं। पर आप जैसे ही इसमें 60 किलोमीटर पर आर से ऊपर की रफ्तार भरते हैं तो आपको बार्स और टैंक पर थोड़ा सा वाइब्रेशन देखने को मिलता है और 100 किलोमीटर पर आर पर ये काफ़ी ज़्यादा लाउडर हो जाती है। माइलेज भी आपको इसमें बेहतर मिलता है और शहरों में आपको 60 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज आसानी से मिल जाता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल i3s यानी कि स्मार्ट स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी का देखने को मिलता है। ग्लैमर में नए और हल्के डायमंड फ्रेम के साथ नया सस्पेंशन सेटअप मिलता है। सस्पेंशन में पहले से ज़्यादा ट्रेवल देखने को मिलते हैं ताकि ये आपको हर तरह की सड़कों पर बेहतर राइड दे सके।
बड़े गड्ढों पर यह बाइक अनकंफर्टेबल तब ज़्यादा लगती है जब आपने पीछे इस बाइक पर किसी को बिठाया हो, लेकिन अकेले चला रहे हैं तो ये बाइक आपको काफ़ी ज़्यादा खुश रखती है। ब्रेकिंग काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और फ्रंट में आपको 240 mm के डिस्क ब्रेक और रियर में आपको 130 mm के ड्रम ब्रेक मिलते हैं। ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी तरीके से काम करती है। नई ग्लैमर में आपको CBS यानी कि कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम भी मिलता है, इसमें आपको ABS टेक्नोलॉजी नहीं दी गई है। नई हीरो ग्लैमर के डिस्क ब्रेक वेरियंट की कीमत 73,250 रुपये एक्स शोरूम दिल्ली है। तो ये बाइक ऐसी है कि अगर आप इस बाइक को रोज़ाना शहर में और गांव में इस्तेमाल करते हैं तो ये बाइक आपको काफ़ी खुश रखती है। और 125 सीसी सेगमेंट में अगर आप ऐसी ही बाइक की तलाश कर रहे हैं जो आप डेली ऑफिस आने जाने के लिए इस्तेमाल कर सकें, और साथ ही साथ अगर आप कहीं गांव या कस्बों में रहते हैं और वहाँ पर टूटी फूटी सड़कें आपको मिलती हैं तो वहाँ पर भी आप ये इस्तेमाल कर सकें, तो ये बाइक आपके लिए एक बेहतर विकल्प साबित होगी।